दोस्तों सीनियर अदाकारा बुशा अनसारी ने अपने मदाहों को अपनी सेहत और ख़ूबसूरती का राज बता दिया उनका कहना था कि मसाले बनाने के लिए मेरे घर में आज भी सिल बटा आज भी है और एक शो में उन्होंने बताया कि हमारे ज़माने में कोई ख़ास चीज़ें हुआ नहीं करती थी सिर्फ कुदरती चीज़ों पर ज़्यादा इन्हसार था खानों के मसाले हमारे घरों में खुद पीसे जाते थे जो कि आज भी पी जाते हैं बुषरा अंसारी ने कहा कि मेरे घर में सिलबट्टा आज भी है आज भी दो बड़ी ट्रे में गीली हल्दी को सिखाया जा रहा है इसके बाद उनको पीस कर खानों में इस्तेमाल किया जाता है उनका कहना था कि मैंने मेथी दाना कलवंजी सौंफ अजवाइन और हल्दी इन सब चीज़ों को पीस कर एक जार में रखा हुआ है इनकी पक्की बनाई है जिस पक्की को मैं रोज़ाना नाश्ते के दौरान ज़रूर लेती हूँ इन सब अशिया का सफ़ूफ घर में भी बनाया जाता है दोस्तों बुषा अंसारी ने अपनी सेहत और खूबसूरत का राज बता दिया उन्होंने कहा कि सेहत की वजह घर के पिसे हुए मसाले हैं दोस्तों शो विस्तारों के मुतालिक सच्ची और पक्की खबरें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अमेजिंग फैक्ट्स वन टू थ्री